हेलो दोस्तों, अपने 3.3 का दूसरा सवाल करने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल है 2x² - 5x + 3 = 0। देखो, गुणनखंड विधि में अपने क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के लिए क्या है, आपको एक इसमें सिस्टम होता है कि इनकी इनकी गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, 3 × 6x² दोनों की गुणा कराएंगे ना, 3 की गुणा बाहर वालों की, और जोड़ने या घटाने पर ही आना चाहिए -5x। तो गुणा करने में कितना आना चाहिए, 6x² मेरे को। दोस्तों ये बताओ, 6 किसके पार्ट में आता है, 2 × 3 2 × 3 = 6, 6 + 6 और किसी पार्ट में तो आता नहीं है। अब देखो, 2 और 3 जोड़ते हैं कितना बनता है, 5, और 6 में से 1 घटाते हैं तब भी 5। तो दोनों में से बारी बारी से चेक करेंगे किस में बनता है, इसमें ले रहा हूं मैं, तो 2 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5। तो जोड़ने के लिए एक शर्त होती है कि आप जब भी जोड़ते हैं तो सेम चिन्ह होना चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। यहां मैं बाहर वाली संख्या है जैसे वैसे लिख दूंगा। अब इस 5x की जगह मैं क्या करूंगा, 2x और 3x, यहां चिन्ह क्या है, माइनस का, तो दोनों सेम चिन्ह माइनस के होने चाहिए। अब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, कॉमन। देखो, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, x यहां पर भी है, पर x² दोनों जगह नहीं है, पर x के एक x तो है, तो यहां से आप 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहां सिर्फ x, और यहां क्या बचेगा, ये बाहर आ गया तो यहां तो बचेगा एक ही। इधर देखो, 3 दोनों में x दोनों में नहीं है, तो 3 तो कॉमन आएगा, यहां क्या बचेगा, x और 1। अब देखो, यहां माइनस का चिन्ह है, यहां माइनस ही रहना है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम रहेगा। अब गुणा करके देखो दोस्तों, 3 की गुणा x से करेंगे, 3x आ रहा है, पर यहां क्या है, माइनस का, इसका मतलब यहां आपको माइनस लेना पड़ेगा। गुणा करके देखो, -3x, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, प्लस का 3, तो सही है। इसका मतलब आपने जो भी गुणा करके आप वापस चेक कर लो, ये आ रहा है तो इसका मतलब आपने कॉमन लिया है, सही लिया है। तो यहां से x माइनस 1 दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे, और यहां क्या बचा, 2x - 3 = 0। अब बारी बारी से हर ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करूंगा और 2x - 3 को 0 के बराबर करूंगा। देखो, ये माइनस का 1 है तो उधर जाएगा, तो प्लस का 1, x = 1। ये देखो, ये माइनस का 3 है उधर गया तो प्लस का 3, x बराबर कितना आएगा, 3/2। तो ये समीकरण को हल करना कहते हैं, समीकरण। जब भी आप समीकरण को हल करते हैं, जो x के मान होते हैं उसको मूल कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल। और जब भी आप कोई अपने बहुपद निकालते हैं जिसमें आपको कोई भी बहुपद व्यंजक दिया हो, समीकरण नहीं दे रखे हो, तो वो हमेशा शून्य होते हैं, x के मान हमेशा शून्य होते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल है, देखो गुणा करें तो 9 × 2 = 18x² माइनस का आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 18x², और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -3x। देखो, 18x² किसके पार्ट में आता है, 2 × 9 = 18, 3 × 6 = 18 आता है या नहीं आता, आता है। देखो, 9 और 2 जोड़ो कितने आता है, 11, 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 में से 2 घटाओ, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब 3 और 6 को जोड़ो कितना आता है, 9 आता है, नहीं आता। पर 6 में से 3 घटाते हैं तो आता है, इसका मतलब घटाने पर ये जोड़ा ले सकते हैं। घटाने के लिए शर्त है, आप विपरीत चिन्ह यूज करोगे, क्या यूज करोगे, विपरीत चिन्ह, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 9x² और ये -2, तो जैसे वैसे लिख देंगे, और यहाँ विपरीत चिन्ह यूज करेंगे, तो एक चाहे 3 आगे लिख दो, 6 आगे लिख दो, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ और 6x यहाँ लिख रहा हूँ, विपरीत चिन्ह यूज करना है। यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह, इसका मतलब बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह और छोटी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। घटा के देख लो, 6 में से 3 गया, 3x, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस, तो गुणा करने पर तो ये आ रहा है। जो अब इनकी गुणा करके भी देखो, 6 × 3 = 18x² माइनस का, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे, -18x², इसका मतलब आपने जोड़ा लिया है, एकदम सही लिया है। अब दोनों में x कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है। देखो, 3 के बारे में 3 आता है, 3 के बारे में 9 भी आता है, तो 3 तो आएगा ही कॉमन, तो यहाँ क्या कितना बचा, 3 के बारे में 9 कितनी बार जाता है, 3 बार। यहाँ एक x तो बचेगा, और ये 1, ये ब्रेकेट सेम यहाँ बनेगा। देखो, 2 यहां पर भी है और 6 यहां है, तो 2 के बारे में 6 आता है, इसका मतलब 2 तो मैं कॉमन ले सकता हूं, x दोनों में है नहीं, तो यहां क्या बचा,
तीन एक्स, और माइनस दोनों में तो कॉमन ले लेता हूं, माइनस दोनों से बाहर, तो यहां बचेगा प्लस का एक बराबर जीरो। तीन एक्स प्लस एक दोनों कॉमन है, तो बचा क्या, तीन एक्स माइनस दो बराबर जीरो। इनको बारी बारी से जीरो के बराबर कर देंगे, तीन एक्स प्लस एक बराबर जीरो और तीन एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तीन एक्स बराबर, ये प्लस क्या उधर गया, तो माइनस, एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस एक बटा तीन, इधर आएगा, इधर तीन एक्स, ये माइनस का दो उधर गया तो प्लस का दो, एक्स बराबर कितना आया, दो बटा तीन आ गया आंसर। इसी तरह ये सवाल करेंगे, देखो गुणा करें तो कितना आना चाहिए, इनकी गुणा करके देखो, रूट तीन की गुणा इससे, रूट तीन से करेंगे, देखो ये होता है आधा तीन और ये आधा तीन, ऐसे गुणा करनी है, रूट तीन एक्स स्क्वायर की गुणा सात रूट तीन से करेंगे, ये आधा तीन मिलके क्या बन जाएगा, पूरा तीन, और पूरा तीन की गुणा सात से करेंगे कितना हो जाएगा, इक्कीस एक्स स्क्वायर। इक्कीस किसके पाड़े में आता है, इक्कीस आता है तीन के पाड़े में आता है, कितनी बार, तीन सात है इक्कीस, और किसके पाड़े में आता है, इक्कीस के पाड़े में आता है, और भी अगर पाड़ा आता है तो ठीक है। अब देखो शुरू में ही आ जाएगा आपका आंसर, देखो तीन और सात जोड़ते हैं कितना आता है, आठ, सॉरी तीन और सात जोड़ते हैं तो दस आता है, दस आ रहा है, इसका मतलब आपको जोड़ना है, जोड़ने के लिए शर्त है आपको सेम चिन्ह लेना है, रूट तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स सात एक्स प्लस सात रूट तीन बराबर जीरो। अब देखो यहां भी तीन है और यहां रूट तीन है, एक तीन होता है वो दो आधे तीन से बना होता है, कितने आधे तीन से, इस तरह, इसका मतलब ये इस तीन के अंदर ये तो मिलेगा, ये इस तरह दो है तो एक तो बाहर आ सकता है, तो यहां कितना बचा, तीन, रूट तीन बाहर ले लिया, तो यहां और x भी आ रहा है, देखो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो इसको भी मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बचा कितना, रूट तीन एक्स, और यहां कितना बचा, ऐसे नहीं दोस्तों, इस तरह कॉमन लेंगे, रूट तीन दोनों में कॉमन ले रहे हैं और यहां x भी कॉमन आ रहा है, तो ये यहां से रूट तीन कॉमन आ गया तो रूट तीन रहेगा नहीं, x तो बचेगा और यहां रूट तीन कॉमन आ जाएगा, और यहां कितना बचेगा, देखो सात दोनों में पर रूट तीन दोनों में नहीं है, तो x प्लस रूट तीन तो बचेगा बराबर जीरो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे, यहां कितना बचा, रूट तीन एक्स प्लस सात बराबर जीरो, इनको बारी बारी से अपने जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स प्लस रूट तीन बराबर जीरो और रूट तीन एक्स प्लस सात बराबर जीरो, तो ये प्लस क्या उधर गया तो माइनस रूट तीन, और यहां ये उधर प्लस क्या उधर गया तो माइनस का सात, एक्स को अकेला करेंगे माइनस सात बटा रूट तीन, ये आंसर आ गया। इससे अपने दूसरे सवाल के मैंने तीन सवाल करवा दिए, आगे और। हेलो दोस्तों, अपने आप दूसरे का चौथा सवाल करने जा रहे हैं, देखो इसमें क्या करना है, गुणा करें तो कितना आना चाहिए, सोलह एक्स स्क्वायर प्लस का, और जोड़ने वहां घटाने पर कितना आना चाहिए, आठ एक्स। दोस्तों मेरे को बताओ सोलह किसके पाड़े में आता है, दो आठ है सोलह, चार चौक सोलह। अब देखो दो और आठ जोड़ते हैं कितना आता है, दस, पर यहां कितना आ रहा है, आठ, आठ में से दो घटाओ कितना आता है, छह, पर यहां आ रहा है आठ, चार और चार जोड़ते हैं तो कितना आता है, आठ। इसका मतलब आपको जोड़ना है, जोड़ने के लिए मैंने शर्त बताई थी आपको दोस्तों, सेम चीन यूज करना है, तो यहां पर भी एक्स, यहां एक्स स्क्वायर लिख दिया सेम का सेम, यहां सोलह का सोलह लिख दिया बराबर जीरो, ये क्या है, चार यहां लिख देंगे, चार यहां लिख देंगे, सेम चिन्ह, यहां क्या चिन्ह है, माइनस का, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये प्लस का है, प्लस मैंने लिख दिया। अब क्या लेंगे कॉमन दोस्तों, एक्स यहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है, चार दोनों में नहीं है तो एक्स तो यहां से ले ही लें, यहां एक एक्स बचेगा और यहां कितना है माइनस चार, यहां देखो चार के बाद में चार आता है, चार के बाद में सोलह भी आता है, तो चार बाहर आ जाएगा, एक्स दोनों में है नहीं तो चार तो कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा एक एक्स, और यहां कितनी बार जाएगा, चार बार बराबर जीरो। ये ब्रेकेट और ये ब्रेकेट हमेशा सेम बनेगा, तो आंखें बंद करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां चिन्ह क्या है, माइनस, यहां माइनस। अब गुणा करके देखो दोस्तों, चार एक्स पर यहां क्या आ रहा है, माइनस का, इसका मतलब यहां माइनस लगाओ, अब लगाओ गुणा करो, माइनस चार एक्स, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, प्लस और चार चौक सोलह, तो इसका मतलब गुणा करने पर यह चीज आ रही है, इसका मतलब आपने कॉमन सही लिया है। यहां देखो एक्स माइनस चार, एक्स माइनस चार दोनों कॉमन है, तो x माइनस चार तो कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बचेगा क्या, x माइनस चार बराबर जीरो,
तो यहां से बारी बारी से जीरो के बराबर कर देंगे, x माइनस चार बराबर जीरो, यहां x माइनस चार बराबर जीरो, x बराबर कितना आया चार, x बराबर कितना आया चार। यहां देखो दोस्तों, इसमें आपको बट्टा दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, हमेशा जब भी आपको बट्टा दिया हो जोड़ में चाहे घटाव में हमेशा लघुत्तम लेते हैं, तो यहां मैं लघुत्तम ले लेता हूं। अब लघुत्तम दोस्तों कुछ बच्चों को आता नहीं है लघुत्तम कैसे लें, कभी भी आपको लघुत्तम कुछ भी संख्या दी हो x y z कुछ भी अंश संख्या दी हो तो उसकी हमेशा अपने नीचे वाले गुणा कर देंगे, x माइनस एक x माइनस दो गुणा कर दी। अब देखो जो भी यहां संख्या है उसका पूरी संख्या हम भाग देते हैं, इसका अगर मैं पूरी संख्या में भाग दूंगा तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या x माइनस एक, तो एक की गुणा किससे कराएंगे x माइनस एक, ये प्लस का प्लस x माइनस एक की गुणा x माइनस एक का भाग पूरे हम देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या x माइनस दो, तो दो की गुणा x माइनस दो से करवाएंगे बट्टा छह बटा x। अब इसको सरल करेंगे, एक की गुणा इससे करवाएंगे कितना आएगा एक x माइनस एक और दो की गुणा दो x माइनस चार बट्टा x माइनस एक x माइनस दो बराबर छह बटा x। अब देखो दोस्तों x और 2x मिलके कितना बन जाएंगे 3x और ये सेम चिन्ह है माइनस एक माइनस चार, तो सेम चिन्ह होता है हमेशा जोड़ते हैं चार एक पांच और माइनस का चिन्ह है तो माइनस x माइनस एक जैसे वैसे लिख देंगे बट छह बटा x। अब देखो दोस्तों ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में और ये भाग में तो उधर जाएगा गुणा में, अपने को एक लाइन में लाना, तो यहां तो तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा इससे कर देंगे इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 3x माइनस पांच एक्स गुणा में और 6x माइनस एक एक्स माइनस दो इस तरह। अब इसको गुणा करवाएंगे, जब तक ब्रैकेट नहीं सरल करेंगे तब तक सरल नहीं होगा, तो ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तीन तीन से इससे करवाएंगे 3x से तो तीन गुणा में घाते जुड़ जाएगी x, यहां x कितने मान आ जाएंगे दो, x की गुणा इससे करेंगे तो माइनस पांच एक्स। अब यहां देखो दोस्तों इनकी गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 6x, अभी नहीं पहले इन दो ब्रैकेट की गुणा करवा देते हैं, तो कैसे x की गुणा पूरे से करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक की गुणा करवाएंगे तो माइनस एक्स और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस का दो। अब इनको सरल करेंगे तो इनको सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये जैसे वैसे लिख देंगे, अब ये छह ब्रैकेट में बाहर है ये भी सरल करना पड़ेगा, तो छह उससे पहले ये सरल करेंगे कितना आ जाएगा 3x, सेम चिन्ह जोड़ेंगे, अब इनकी गुणा करो 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x स्क्वायर, 6 18x और 6 2 12, इनको एक तरफ ले लेंगे, यहां तो इसको उधर ले जाओ, यहां जो बड़ा मान गया 6x स्क्वायर है तो सबको उधर ले जाओ, तो यहां बचेगा 0, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 5x इस तरह। फिर ऊपर यहां आपने सरल कर लेंगे सवाल को तो कितना आ जाएगा, देखो ये 6x स्क्वायर है यहां माइनस का 3x स्क्वायर, विपरीत चिन्ह घटाएंगे 6 में से 3 गया 3x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है, माइनस 18x और ये प्लस का 5x, विपरीत चिन्ह घटाएंगे 18 में से 5 गया 13x, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह माइनस 13x, और संख्या में देखो यहां सिर्फ 12 है, सिर्फ 12 है प्लस का, और कोई संख्या है या संख्या में नहीं है, संख्या में दोस्तों इस समीकरण को सरल करने के बाद यह आ जाएगा। इसके बाद क्या करें, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 36x स्क्वायर और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 13x माइनस के 13x, तो वो कैसे लाएंगे 36 किसके बारे में आता है 9 चौक 36, जोड़ के देखो आप 13 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैंने दोस्तों जोड़ने के लिए आपको शर्त बताई थी सेम चिन्ह यूज करना है, 3x स्क्वायर जो बाहर वाली चीजें हैं वो जैसे वैसे लिख देते हैं, अब यहां माइनस का चिन्ह है तो दोनों जगह माइनस का चिन्ह लेंगे माइनस 4x माइनस 9x, देखो यहां दोस्तों x दोनों में कॉमन है तो यहां बचेगा क्या 3x माइनस 4, ये ब्रैकेट सेम बनेगा, यहां देखो 9 दोनों में नहीं है ना ही 12 दोनों में ना भी x दोनों में, तो पर ये दोनों संख्या 3 के पाड़े जाती है तो 3 तो कॉमन आएगा तो कितनी बार जा रहा है 3x, ये सेम बनेगा 4 बार, यहां माइनस है माइनस, अब गुणा करके देखो 9x आ रहा है
और ये माइनस का है तो इसका मतलब माइनस का लेना पड़ेगा, बराबर जीरो। 3x-4 क्या है, दोनों कॉमन, तो यहां कितना बचा x-3 बराबर जीरो। इनको बारी बारी से अपने जीरो के बराबर कर देंगे, x-3 बराबर जीरो, तो 3x-4, x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह दोस्तों अपने ये सरल करें। अब दोस्तों छठा सवाल करने जा रहे हैं, अब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 100x², और जोड़ने पर या घटाने पर 20 आना चाहिए। अब देखो 100 किसके पाड़े में आता है, 120 10×10 के पाड़े में आता है, और 20×5 100 इसके भी आता है। अब मेरे को तो 10 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है इसका मतलब ये ले सकते हैं। यहां पर भी देख लो 20 में से 5 घटेंगे तो 15 और जोड़ेंगे तो 25, तो ये तो लेना ही नहीं है, इसका मतलब ये आपको लेना है। और जोड़ने के लिए सर सेम चिन्ह यूज करना है, यहाँ क्या है माइनस, तो दोनों माइनस चिन्ह लेंगे, +1 = 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 10 के बाद 10, यहाँ कितना बचेगा 10, यहाँ एक एक्स भी कॉमन आ रहा है देखो दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 1, ये ब्रैकेट सेम बनेगा। देखो यहाँ दोनों में कॉमन ना 10 इधर है ना इधर है, ना एक्स इधर है ना इधर है, इसका मतलब एक तो कॉमन आएगा ही, एक तो आएगा हर चीज में, एक तो कॉमन आता ही है अगर कोई भी कॉमन नहीं हो। तो यहां से मैं अगर एक कॉमन लेता हूं तो यहां कितना बचेगा 10x और यहां 1 = 0। अब इनकी गुणा करवाएंगे तो माइनस का 10x आना चाहिए, इसका मतलब माइनस लगाएंगे यहां। अब गुणा करो -10x, अब यहां माइनस की गुणा प्लस से करेंगे, माइनस प्लस आना चाहिए, इसका मतलब यहां माइनस रखेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनेगा, तो 10x-1 कॉमन आ रहा है बराबर 0, 10x-1 = 0, 10x-1 = 0, तो 10x = 1, x = 1/10, यहां पर भी सेम है x = 1/10। इस तरह आगे के सवाल। अब दोस्तों अपने दूसरे का नवा सवाल करने जा रहे हैं, इसमें क्या है आपको इस तरह बट्टे में दिया, अगर बट्टे में अगर जोड़ में दिया होता तो लघुत्तम लेते, पर इस तरह ये पहले से सरल किए हैं, तो अपने क्या करेंगे, अपने तिरछी गुणा करेंगे इस तरह के, ये वैसे तिरछी गुणा कहते हैं, ये भाग में तो उधर जाएगा गुणा में, ये भाग में उधर जाएगा गुणा में। कर दिया, अब ब्रैकेट जब तक सरल नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, तो बारी बारी से ब्रैकेट को सरल करेंगे, गुणा करवाएंगे, एक्स की गुणा पूरे से करवाएंगे, 3 की गुणा पूरे से करवाएंगे, करो 2x², एक्स की गुणा इससे करवाएंगे तो -3x, 3×2 = 6x, और 3×3 = 9, माइनस का प्लस की गुणा माइनस से करेंगे 9। इधर देखो दोस्तों एक्स की गुणा इससे करवाएंगे 3x², और एक्स गुणा 7 से करेंगे -7x, 2×3 = 6x, -14। अब इनको और सरल हो रहा है, अगर एक्स के दो पद में इनको सरल करो, पहले विपरीत चिन्ह घटाएंगे कितना आएगा, बड़ी संख्या के साथ चिन्ह तो प्लस लेंगे और घटाएंगे 3x-9, यहां देखो विपरीत चिन्ह घटाएंगे तो एक्स बचेगा, बड़ी संख्या के साथ चिन्ह माइनस है तो -14। अब यहाँ 3x² इधर भी है, x² इधर भी है, तो सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे बढ़िया रहेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो यहां रहेगा 0, चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2x² - 3x + 9, तो बराबर 0। देखो 3x² में से 2x² घटाए कितना आएगा x², विपरीत चिन्ह घटाएंगे, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस लेंगे, यहां देखो x यहां पर भी है यहां भी है, सेम चिन्ह जोड़ेंगे -4x, और 14 में से 9 विपरीत चिन्ह घटाएंगे, 14 में से 9 गया 5, और बड़ी संख्या के साथ चिन्ह कौन सा है माइनस, तो माइनस, तो इसको इस तरह देख सकते हैं बराबर 0। ये एक तरह से द्विघात समीकरण हो गए, तो वही है, गुणा करे तो कितना आना चाहिए -5x², जोड़े तो कितना आना चाहिए 4x, तो 5 किसके बड़ा आता है 5 = 1 5, 5 में से 1 घटाते हैं 4 आ रहा है, इसका मतलब ये ले सकते हैं, और विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा क्योंकि ये घटाना है, तो विपरीत चिन्ह लेंगे 5x - 5 = 0। अब देखो
यह चिन्ह क्या है? माइनस, तो बड़ी संख्या के साथ माइनस लेंगे, छोटी संख्या के साथ प्लस, घटा के देखो ये आ रहा नहीं आ रहा, विपरीत चिन्ह है, घटाएंगे तो क्या आ रहा है, चार एक्स माइनस का, गुणा करके देखो माइनस का पांच एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आपने सही लिया है, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बचा है एक्स माइनस पांच, यहाँ दोनों में एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस पांच बराबर जीरो, प्लस का दोनों में एक्स माइनस पांच कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स प्लस एक बराबर जीरो, बारी बारी से अपने जीरो के बराबर करेंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा पांच, एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस एक। ओके दोस्तों, इस तरह आगे के सवाल करेंगे। दोस्तों अब अपने दूसरे का दसवां सवाल करने जा रहे हैं, इसमें क्या करते हैं वही है, गुणा करें तो यह आना चाहिए, जोड़ने व घटाने पर यह आना चाहिए। देखो दोस्तों इसको मैं सरल रूप करके लिख सकता हूं, ए की घात चार बी की घात चार को ए स्क्वेयर की घात स्क्वेयर बी स्क्वेयर की घात स्क्वेयर गुणा करे तो कितना है दो, ये वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा, ये एक तरह से सूत्र बन रहा है इस तरह का, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको इस तरह लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं चार एक्स स्क्वेयर माइनस चार ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर जीरो। अब गुणा करें तो ये आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए, ऐसे चार एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये आना चाहिए, गुणा करने पर जोड़ने पर ये आना चाहिए। अब मेरे को दोस्तों बताओ चार किसके बारे में आते हैं, दो दुनी चार, तो इनको जोड़ेंगे तो चार आएगा या नहीं आएगा, आएगा, इसका मतलब ये जोड़ा ले सकता हूं, जोड़ने के लिए शर्त बताई थी सेम चिन्ह, तो सेम चिन्ह ले रहा हूं मैं, माइनस दो एक्स क्योंकि यहां एक्स है तो एक्स, और एक ये ले लेता हूं और एक दो एक्स के साथ दूसरा ले लेते हैं ये वाला, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर जीरो। अब गुणा करके देखो, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस और दो दुनी चार, एक्स की गुणा एक्स से करें एक्स स्क्वेयर, इनकी इसकी गुणा करेंगे तो ये चीज आ रही है नहीं आ रही। अब इनको जोड़ के भी देख लो, इससे गुणा कराएंगे ना तो माइनस दो एक्स ये कट जाएगा बी वाला, ये माइनस ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस चार ए स्क्वेयर एक्स। अब यहां से कॉमन लेते हैं, दो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है तो बचा है क्या यहां दो एक्स माइनस, ये ब्रैकेट जैसे वैसे छोड़ देंगे, ये ब्रैकेट सेम बनेगा तो इधर क्या कॉमन आ रहा है देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचा दो एक्स, ये ब्रैकेट सेम बनेगा देखो, गुणा करके देख लो, माइनस की इससे करेंगे तो माइनस दो एक्स ये आना चाहिए, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे ये चीज आ रही है नहीं आ रही, आ रही है, इसका मतलब आपने सही कॉमन लिया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, टू एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो बचा क्या टू एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर जीरो, बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे, इसको करेंगे तो 2x बराबर ये माइनस के उधर गया तो ब्रैकेट पूरा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटा दो, ये 2x ये ब्रैकेट पूरा गया तो उधर क्या आएगा प्लस का, x बराबर कितना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटा दो, इस तरह अपने इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों दो समझ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, देखो माइनस की गुणा इससे करेंगे ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इससे करेंगे माइनस की गुणा ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का, इस तरह इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस का ए स्क्वेयर हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वेयर, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, इस तरह भी आप कर सकते हो, इस तरह इस सवाल को करते हैं, और तरीके से करोगे तो लंबा जाएगा, ये एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ये। हेलो दोस्तों अब अपने दूसरे का 11 सवाल करवाने जा रहे हैं, तो इसमें देखो पहले तो ब्रैकेट आ गया, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं हमेशा, तो खोल दो बी स्क्वेयर एक्स माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस ए सी
एक्स गुणा करेंगे माइनस बी सी बराबर जीरो। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, यहाँ बचा है क्या एक्स और बी भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बी बाहर आ गया, तो यहाँ एक बी तो बचेगा प्लस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोस्तों यहाँ सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा है यहाँ एक्स माइनस बी प्लस का, क्योंकि गुणा करके देखो ये चीज आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब सही है। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बारी बारी से इनको जीरो के बराबर करेंगे, बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी बटा ए, बी एक्स बराबर माइनस सी, एक्स बराबर कितना हुआ माइनस सी बटा बी। इस तरह ये सवाल करेंगे, ये मैंने जितने भी सवाल है मैंने करवा दिया है। ओके थैंक यू।